हेलो दोस्तों, मैं गौरव आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल कोडन बायोलॉजी में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन में 25 मार्क्स आप कैसे टारगेट कर सकते हैं आउट ऑफ 50। तो इसके लिए मैंने आपको 30 डे प्लान मैं बताने जा रहा हूं, जिसमें आप सेक्शन ए में 25 मार्क्स टारगेट कर सकते हैं आउट ऑफ 50। एक महीना अगर आप 30 से 60 मिनट अगर डेली पढ़ते हैं तो किस तरह से आप 25 मार्क्स कवर कर सकते हैं। तो फर्स्ट डे जो है आप एवरेज एंड एलसीएम एनएचसीएम पढ़ लीजिए। इसके बाद सेकंड डे है आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़िए। फिर थर्ड डे में आप पार्टनरशिप एंड प्रॉफिट एंड लॉस पढ़िए। फोर्थ डे में इंटरेस्ट सिंपल कंपाउंड ये सारा चीज़ें पढ़ लीजिए। फिफ्थ डे नंबर एंड सिंप्लीफिकेशन। सिक्स डे में सिक्वेंस एंड सीरीज। इस तरह मैं आपको 30 डे का प्लान बता रहा हूँ, आप हमारे साथ चलिए, आप इस दिनों में पढ़िए। इसके बाद हम आपको बीच में एक टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे। इसके बाद सेवेंथ डे में आप सीरीज फॉर्मेशन एंड कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लीजिए। फिर एट्थ डे में सीरीज फॉर्मेशन कोडिंग डिकोडिंग दो दिन इसको पढ़िए, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है। इसके बाद नाइन्थ डे में एक टेस्ट अरेंज कीजिए, जो आपने पढ़ा है उसमें कितना आप एबल हैं बनाने में, एबिलिटी आपका कितना बढ़ गया, किस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं उसको चेक कर लीजिए। फिर टेंथ डे में आप डाटा इंटरप्रिटेशन शुरू कीजिए पढ़ने के लिए। एलेवेंथ डे में इंटरप्रिटेशन डाटा कीजिए। इसके बाद डिस्टेंस एंड डायरेक्शन पढ़िए, और फिर डिस्टेंस एंड डायरेक्शन को इसमें थोड़ा इंटरप्रिटेशन डाटा का पढ़िए, थोड़ा डिस्टेंस डायरेक्शन इसमें, फिर एक दिन उसको डिस्टेंस डायरेक्शन में एक दिन उसको फिर समय दीजिए। फिर 13 डे को आप परसेंटेज पढ़िए, और फिर 14th को आप मेंस्ट्रुएशन पढ़ लीजिए। 15th को टाइम एंड वर्क पढ़िए, टाइम एंड वर्क के साथ जस्ट बाद टाइम एंड डिस्टेंस भी पढ़ लीजिए। 17 डे को ट्रिग्नोमेट्री शुरू कीजिए, इसके बाद जियोमेट्री भी साथ में ही पढ़ लीजिए 10th डे को। 19 को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लीजिए जस्ट जियोमेट्री के बाद ही। इसके बाद 20th डे को हर 10 दिन में एक टेस्ट अरेंज कीजिए, फिर जितना आपने पिछले पढ़ा है उसमें क्या प्रोग्रेस हुआ इसको चेक कर लीजिए। हम भी 20 डे को टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे, चूँकि आप तैयार रहिएगा। और 21st डे को फिर रैंकिंग एंड अरेंजमेंट पढ़ लीजिए, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं देखिए। और फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ लीजिए 22nd डे को। इसके बाद प्रोबेबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर इससे तो आता ही है। और फिर एलिगेशन एंड मिक्सचर 24th डे को। और फिर 25th को आप सर्ड इंडिसेस एंड ग्राफ पढ़ लीजिए, और 26th को आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये सारा ग्राफ से ही रिलेटेड है, उसको पढ़ लीजिए, एनालिसिस करने के लिए सीख लीजिए। इसके बाद फिर डाटा इंटरप्रिटेशन, थोड़ा सा उसको रिकैपिंग कर लीजिए, और फिर पजल जितने हैं, जितने तरह के पजल पूछे जाते हैं उसको कवर कर लीजिए। और कुछ क्वेश्चन कभी कभी कैलेंडर एंड क्लॉक से भी आता है, तो इसको भी लास्ट में 28th डे को देख लीजिए। 29 को फिर नंबर एंड सीरीज एक बार देख लीजिए, और फिर 30 डे को एक बार टेस्ट अरेंज कीजिए, कितना आपने कवर किया कितना रहा। और अगर इसमें से कुछ बच जाता है फिर 5 दिन इसको आप दे दीजिए, और पूरा जनरल एप्टीट्यूड को अपने हैंड में कर लीजिए, कवर कर लीजिए, ताकि इसमें 25 आप अटेंड कर सकें आउट ऑफ 30। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप चाहें तो आप और हम मिलके आपका CSIR बिल्कुल कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।